सफलता के कई सूत्र हैं, पर आज हम सफलता के तीसरे सूत्र की आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और तीसरा सफलता का सूत्र है जिंदगी चुनावों का परिणाम है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के या राज्यसभा के चुनावों की बात नहीं कर रहा मैं, आपके जीवन के चुनावों की बात कर रहा हूँ। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। आप अपने जीवन में अपने कौन से विचारों को चुनते हैं, आप अपने जीवन में अपने किस प्रकार के व्यवहार को चुनते हैं, इसका चुनाव करने की क्षमता आपके पास है। पर आप क्या करते हैं, आप परिस्थिति को दोष देते हैं, आप मनस्थिति में सुधार नहीं लाते हैं। आप परिस्थिति को दोष देते हैं, मनस्थिति में सुधार नहीं लाते हैं। चुनाव करना ये आप ही का चुनाव है। चुनाव करने के लिए किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने को तैयार नहीं है तो कोई नहीं ला सकता है। एक खूबसूरत बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। कहते हैं कि मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली उसी वक्त परिस्थितियां बदल गई। तो जानते हैं परिस्थितियां बदलने के लिए परिस्थिति मत बदलिए, परिस्थितियां बदलने के लिए पहले मनस्थिति बदलिए। जिस दिन मनस्थिति बदलेगी परिस्थितियों पर खुद ब खुद असर आ जाएगा। लोग परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, लोग अपना बॉस बदलना चाहते हैं, कोई शॉप फ्लोर बदलना चाहता है, कोई अपनी वाइफ बदलना चाहता है, कोई अपनी लाइफ बदलना चाहता है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। अच्छे विचार का चुनाव करिए, अपनी मनस्थिति बदलिए, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। अपनी मानसिकता को बदलिए, वास्तविकता खुद ब खुद बदल जाएगी। इसीलिए जिंदगी चुनावों का परिणाम है। सफलता का ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कई कठिनाइयां आएंगी आपके जीवन में, कई कठिनाइयां आएंगी, आप गिरना चाहेंगे या खड़े हो जाएंगे, गिव अप करेंगे या गेट अप करेंगे, ये आपको चुनना है, किसी और को नहीं चुनना है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। आप सीखना चाहते हैं या दोष लगाना चाहते हैं, ये चुनाव आपका है। कठिन परिस्थिति के अंदर कुछ लोग दोष लगाते हैं और कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। आप सीखना चाहेंगे या दोष लगाना चाहेंगे, ये चुनाव भी आपका है। कठिन परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? कठिन परिस्थिति आपके लिए एक मजबूरी है या जरूरी है? जिस व्यक्ति के लिए मजबूरी है, कंधे झुक जाएंगे, शरीर झुक जाएगा, परेशान होगा, कमजोर होगा, दुखी लगेगा। लेकिन जो कहेगा नहीं नहीं ये चुनौती है, जरूरी है, ये जरूरी है, कठिनाई नहीं है, ये चुनौती है, कठिनाई नहीं है, ये चुनौती है। अच्छे शब्दों का चुनाव किया, चुनाव अच्छे विचारों का किया, चुनाव अच्छे शब्दों का किया। जो लोग कहते हैं परेशानी है वो परेशान हो जाते हैं, और जो लोग कहते हैं चुनौती है वो खड़े होकर सामना करते हैं। अच्छे शब्दों का चुनाव करिए, जिंदगी चुनावों का परिणाम है। ये बहुत बड़ा सफलता का सूत्र है, जिंदगी चुनावों का परिणाम है। एक और चुनाव आपको देखना है कि आपको करना है। जिंदगी आपके लिए बंधन है या बंदिश है? जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं यह आपके लिए बंधन है या बंदिश है? जिस व्यक्ति के लिए यह नौकरी बंदिश हो जाएगी वो व्यक्ति हमेशा दो बार पंच, एक बार लंच, लाइफ है टंच, इसी प्रकार बोलेगा। लेकिन जो व्यक्ति के लिए यह नौकरी बंधन हो जाएगा उसके लिए वो यहां पे जीवन समर्पित करेगा और यहां से मैक्सिमम लाभ भी लेकर के जाएगा। जानते हैं कंपनी में ग्रोथ भी होती है आउट ऑफ टर्न, ऐसे आदमी की जो जिंदगी को, जो रिश्तों को बंधन की तरह निभाता है, बंदिश की तरह नहीं। और वो खुद भी सबसे पहला लाभ तो उसको स्वयं को होगा, क्योंकि उसको मानसिकता, उसकी प्रसन्नता हमेशा, उसकी हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। तो जिंदगी चुनावों का परिणाम है। मैंने जैसे बताया जिंदगी चुनावों का परिणाम है। अगला चुनाव आपको करना है कि ये कठिनाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे, ये पहेली है या समस्या है, ये पहेली है या समस्या है। अगर आपने कहा पहेली है तो सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपने कहा समस्या है तो प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। आपको जिंदगी क्या लगती है, एक मौका लगती है या मुसीबत लगती है? आपको चुनना है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। ये विचार आपको चुनने हैं, ये विचार आपको चुनने हैं। हाँ, जिंदगी चुनावों का परिणाम है। आप अपने संस्कारों को चुनिए। आपके संस्कार से बनता है आपका विचार, आपके विचार से बनता है आपका व्यवहार, आपके व्यवहार से आता है आपका आचार, आपके आचार से बनता है आपका प्रचार, आपके प्रचार से बढ़िया होता है आपका व्यापार। तो पहले संस्कार और फिर आता है विचार, और उससे बनता है व्यवहार, और उससे बनता है आचार, और फिर होगा प्रचार, और तभी आएगा व्यापार। अगर बढ़िया व्यापार चाहते हैं तो बढ़िया संस्कार और विचार ठीक करना होगा। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। चुनना आपको है, आपके लिए कोई और नहीं चुनेगा। लोग कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला, मुझे अवसर नहीं मिला। ये मौका और अवसर आपको कोई नहीं देगा, ये आप ही को अपने आप उठाना है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। तो आज हमने सफलता के तीन सूत्रों की चर्चा करी। सीखने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। देखिए स्लाइड पे ध्यान से, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते हैं, बल्कि अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते हैं। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना, पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना। अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे तो आगे चल के और पढ़ेगी। इसीलिए पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। क्या चाहेंगे आप? सीखना चाहेंगे?